क्योंकि बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं, एक महापुरुषों की विचारधारा है। आपको सतीश चंद्र मिश्रा से तो प्रॉब्लम है, लेकिन आपको उदित राज से प्रॉब्लम नहीं है, आपको बामन मेश्राम से प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रकाश अम्बेडकर से प्रॉब्लम नहीं है, आपको चंद्रशेखर से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपको ये है कि वो हमारे घर में आके हमारे घर को मजबूत कर रहा है, तो आपको सतीश चंद्र मिश्रा से प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता कि ये हार का ठीकरा मैं किसी एक विशेष वर्ग को फोड़ूं, विशेष जाति को फोड़ूं। देखिए, संकल्प तो हमारा आज भी वही है जो माननीय साहब कांशीराम ने हमें 1984 में दिया था। संकल्प ये है कि हम तख्त बदल देंगे, हम ताज बदल देंगे और बेईमानों का राज बदल देंगे। संकल्प हमारा यह है कि आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बनानी है। पूरे भारत गिरते हैं मैदान जंग में सह सवार, गिरते हैं मैदान जंग में सह सवार, वो भला क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो जिसके अंदर उतार चढ़ाव ना आता हो। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप 2022 के इलेक्शन पर बहुजन समाज पार्टी का आकलन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं, एक महापुरुषों की विचारधारा है। और अगर हम समझौता करके इलेक्शन लड़ते और महापुरुषों की विचारों से हम समझौता कर लेते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम इस बार सीएम बना सकते थे, परंतु हमने किसी भी कट्टरपंथी के साथ और अपने विचारों के साथ समझौता नहीं किया। हम अकेले चले थे, अकेले लड़े हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो 125 करोड़ लोगों का जो बहुमत मिला है उत्तर प्रदेश में, इसको अगर आप अनदेखा करके सोचते हो कि हमारी पार्टी की बगत खत्म हो चुकी है तो आप बिल्कुल गलत है। लोग कह रहे हैं विचारों से समझौता कर ले, तभी ये स्थिति बनी है। नहीं, कौन से लोग कह रहे हैं विचारों से समझौता कर लिया? ये विचारों से समझौता करने वाले लोग तो बाबा साहब को भी यही कहते थे कि विचारों के साथ समझौता कर लिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के हारने की भी खुशियां मनाई थी। अगर आप कहते हो कि समझौता कर लिया तो समझौता करते तो साहब कांशीराम करते जब इन्हें आज से 25 साल पहले राष्ट्रपति बना रहे थे। अगर समझौता करते तो हम आज भी केंद्र के अंदर कोई होम मिनिस्टर वो मिनिस्टर का पद लेके बैठ जाते। अगर आप कहते हो कि विचारों के साथ समझौता कर लिया तो ये जो आलिशान जो स्मारक आपको दिखाई दे रहे हैं ये समझौता की निशानी नहीं है। यहाँ पर साहब कांशीराम प्रेरणा स्थल ना होकर यहाँ पर कुछ और बना होता। क्या सुधार करने की जरूरत है आपकी नजर में? किस में सुधार करने की जरूरत है? पार्टी में आपको कमियां क्या नजर आती है? मुझे एक कमी बताओ आप कि सुधार करने की। अगर आप ये सोचते हो साहब कांशीराम जी भी जब इलेक्शन लड़े थे वो भी हरा दिए गए थे, तो क्या आपने कहा कि साहब कांशीराम जी को सुधार की आवश्यकता है? अगर आप ये सोचते हो किस में दम है जो रोके गैर को, गफलत में तो काट लेते कुत्ते भी शेर को, वक्त वक्त की बात है और वक्त वक्त का योग, लाखों में बिकने लगे 2 कोड़ी के लोग, वो लोग जो हमारे ऊपर समझौता करके एक एक सीट पे हमें हराने का जिन्होंने काम किया है, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी हार गई है। हारे नहीं हो, तीसरे चौथे नंबर पे पहुंच गए। क्या हुआ? तो हम तो एक समय तो ऐसा था जब आप लोग ये कहते थे कि सीएम तो बनना बहुत दूर की बात है, आप एक विधायक बना के दिखा दीजिए, आप पे एक विधायक बनाने की हिम्मत नहीं है, फिर भी हमने सीएम बना दिया। और आप कहते हो कि हमने विचारधारा के साथ समझौता कर लिया, तो विचारधारा के समझौते के लिए आप अंदर 50 मीटर दूर चले जाइए, आपको पता लग जाएगी कि क्या समझौता क्या नहीं। देखिए, सत्ता की चाबी की जो बात है कि पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की विच कैन ओपन एनी डोर ऑफ प्रोग्रेस वॉज सेड बाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब ने ये बात कही। और आप जब सत्ता की चाबी की बात करते हो तो सत्ता की चाबी तो घुमाने के लिए एक व्यवस्था की बात होती है। सत्ता की चाबी तो बीजेपी के पास भी है, सत्ता की चाबी तो 130 जो सांसद बैठे हुए हैं उनके पास भी है, तो क्या आप सोच सकते हो क्या वो सही मायने में सत्ता की चाबी रखने के हकदार हैं? सत्ता की चाबी जो है महापुरुषों की विचारधारा पे चलते हुए लेने की बात कही गई थी, ये नहीं कि आप मनुवाद और ब्राह्मणवाद को समर्थन करें और उसके बाद सत्ता की चाबी लेने की बात करें। हम ब्राह्मणवाद को कहां समर्थन कर रहे हैं? अगर हमारा आदमी वहां दरी बिछाए तो वो ठीक, उनका आदमी जय भीम करे तो वो गलत। अगर आप इस बात को कहते हो नहीं, अगर आप मैंने ये बात कही कि ब्राह्मणवाद की जब आप बात करते हो, हमारा आदमी संसद में प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल फाड़े तो वो आपके लिए ब्राह्मणवाद नहीं है। आप ब्राह्मणवाद को अगर जातिवाद से जोड़ के देखते हो और आप ये सोचते हो कि जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, आपने कहा ना हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद मनुवाद के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, हमारी लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ है जो मन
मनुष्य को मनुष्य नहीं मानती, इंसान को इंसान नहीं मानती, जाति जाति की बात करती है और धर्म की बात करती है। हमने जो बात कही, एक बात बताइए, क्या भगवान बुद्ध ने जब सारनाथ में 5 भिक्षुओं को जब प्रथम उपदेश दिया, वो सारे के सारे एक विशेष जाति से थे, तो क्या इस कारण से मैं बुद्धिज्म को मानना छोड़ दूं? लोग कह रहे हैं नुकसान हो रहा है। नहीं, किस बात का नुकसान हो रहा है? जिसको आप कह रहे हो किसको रखने से नुकसान हो रहा है मुझे बताओ? आपको नहीं पता? नहीं, आप मुझे बताइए ना, सतीश मिश्रा को अगर किनके, नहीं नहीं, आपको सतीश चंद्र मिश्रा से तो प्रॉब्लम है, लेकिन आपको उदित राज से प्रॉब्लम नहीं है, आपको बामन मेश्राम से प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रकाश अम्बेडकर से प्रॉब्लम नहीं है, आपको चंद्रशेखर से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपको यह है कि वो हमारे घर में आके हमारे घर को मजबूत कर रहा है, तो आपको सतीश चंद्र मिश्रा से प्रॉब्लम है। 36 अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जो इलेक्शन से पहले बहुजन समाज पार्टी की जिसने मुकाबलत की, वो आपके लिए हीरो हो गए। कमजोर किया आपको? हमको कमजोर किया? मैं बता रहा हूं कि आपके एक हीरो थे जिन्हें आप कहते हो कि बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाए, आप उस बारे में बात क्यों नहीं करते? आप बात क्यों नहीं करते प्रकाश राव अंबेडकर के बारे में? आप बात क्यों नहीं करते बामन मेश्राम के बारे में? आप बात क्यों नहीं करते दूसरे उन नेताओं के बारे में जो अपने आप को ठेकेदारी की कहते हैं कि हमारे पास इस बहुजन समाज की ठेकेदारी है? लेकिन अगर आप कहते हो कि सतीश चंद्र मिश्रा काम कर रहा है, अच्छा अगर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम सपोर्ट किया, आप ठेकेदारी करते थे, बंधुआ समझते थे, वो भी छोड़ गए इस बार? नहीं नहीं, जिसे नहीं सुनिए, आप अपना बंधुआ मजदूर समझते थे, हमने जो बिल्कुल कौन, अगर आपको 1.5 करोड़, अगर आपको 1.5 करोड़ की गिनती नहीं आती तो 1.5 करोड़ वो लोग हैं उत्तर प्रदेश से जो अगर ये कर दे तो दिल्ली तक बाढ़ आ जाए। अगर आप उनकी संख्या को कमतर आप आंक रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि वो लोग छोड़ के भाग गए और पार्टी खत्म हो जाएगी, तो ऐसे तो छोड़ के भागने वाले लोगों के बारे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। नहीं नहीं, नहीं, किस बात का, हम तो जश्न मनाने के लिए 15 मार्च 2022 को आज हम नोएडा में मौजूद है और यहाँ देख लीजिए लाखों की जो लोग है वो इसलिए यहाँ पर मौजूद है कि महकती रुख को गुलाब कर देंगे, कि महकती रुख को गुलाब कर देंगे, हम इस बात सबका हिसाब कर देंगे, रहमने दे पैमाने के अंदर ईसा की वंडा एक बूंद से सारे शहर का पानी खराब कर देंगे। जी ने कहा कि इस हार के जिम्मेदार ठीकरा मुसलमानों पे पड़ा, कितना चाहिए मुसलमानों पे ठीकरा पड़े? देखिए मुझे नहीं पता कि ये हार का ठीकरा मैं किसी एक विशेष वर्ग को फोड़ू, विशेष जाति को फोड़ू, जो नेता ने नहीं, मेरी नेता जो मेरी नेता का जो आप शब्द पकड़ के बैठे हो उसकी इंटेंशन भी समझ लीजिए कि जो वो जब ये बात होती है, जो मीडिया ने, बहन जी ने ये कहा कि मीडिया के प्रभाव के कारण इसके अंदर ध्रुवीकरण हुआ, मीडिया के प्रभाव के कारण ध्रुवीकरण हुआ और मुस्लिम तो मुस्लिम, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मुस्लिम समाज जो है बहुजन समाज पार्टी की बजाय समाजवादी पार्टी पे चला गया सुरक्षा को लेके। उन्होंने नहीं, बहुजन समाज पार्टी को इसलिए वोट देना है कि जितनी मॉब लिंचिंग आज मुस्लिमों के साथ हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, निजी स्वार्थ के कारण और व्यक्तिगत कारणों के कारण उन्होंने जो है बहुजन समाज पार्टी को समर्थन नहीं किया। और दूसरी बात, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि अगर आप सोचते हो कि सिर्फ मुस्लिमों को दोष देने से, देखिए अनुसूचित जाति के अंदर 600 के करीब जातियां हैं, अनुसूचित जाति के अंदर 600 के तकरीबन जातियां हैं, या एक या दो जाति की ठेकेदारी नहीं है कि पूरे मिशन को चलाए और पूरी व्यवस्था को बदले। आपका अपना वोट नहीं रहा सर, किसका? 1.25 करोड़ वोट है किसका? आप जातियों में बताओ ना किसकी है। जिस पार्टी ने सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में सर, एक सीट पर सिमट जा रही है, अंदर चिंतन करने के लिए नेशनल पार्टी 4 बार सरकार बनाई है। बिल्कुल आपका बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1884 में जो एडवर्ड एलन ह्यूम ने जो कांग्रेस बनाई थी, जो 200 साल चली, जिसका एक छत्रराज था, उसको हमने खत्म कर दिया, वो चिंतन ना करें। परंतु 1984 के बाद अगर हम एक वोट पे आ गए और हम चिंतन कर रहे हैं तो हम गलत। अगर आपको ये लगता है कि पार्टी खत्म हो गई तो ऐसे पार्टी खत्म नहीं होगी। नहीं नहीं, आप जब इस बात पहले क्यों बंधुआ, किसने कहा 1.25 करोड़ लोगों का बंधुआ कहते हैं? अगर आप ये सोचते हैं जो 1.25 करोड़ लोगों ने जो वोट दिया है वो बंधुआ है, तो आपकी गलत फहमी है। और दूसरी बात, अगर आप बंधुआ हो तो आप क्यों कांग्रेस के बंधुआ नहीं रहे, क्यों आप भाजपा के बंधुआ नहीं रहे? हाँ, अगर BSP को वोट डालेंगे तो हम बंधुआ हो जाएंगे, यही तो मानसिकता आप लोगों की है कि आपको ये लगता है। अच्छा, तो सड़क पे आपको मोदी कितना दिखाई दिया? आप सड़क की अगर राजनीति कर रहे हैं, अगर 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 आप सड़क की राजनीति कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि हमारे भारत का जो सबसे बड़ा जो नेता है वो सड़कों पे डोले, अरे वो दिन भूल जाइए जब आप सोचते थे ये दलित मुखियों पे डोलेंगे। नहीं प्रधानमंत्री, अरे उन्होंने रिसोर्सेज कितने हैं, कौन से महलों से, देखिए उनके पास
महाराज सिसोदिया बहन जी कहाँ नहीं दिखाई दी। अगर आप सोचते हो कि बहुजन समाज की एकमात्र नेता जो है सारा मिशन मूवमेंट छोड़ के सड़कों पर आ जाए तो यह संभव नहीं है। पूरे भारत के अंदर 500 सीटें हैं, उन 500 सीटों का जो समायोजन है या उनका जो मैनेजमेंट है बहुत कठिन काम है। जिस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज होंगे हम सड़कों पर भी आएंगे। चलिए ठीक है।